हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में आरंभ हुआ था उसके बारे में आज हम जानेंगे। वह क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ तथा उसके प्रभाव क्या थे और उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटानी साम्राज्यों को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरम्भ हुआ। यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला कर लिया था। 8 अगस्त 1942 को शाम को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर का समय लग गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास क्या था? भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जो यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में थे। विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने भी मौके की नज़ाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खां पैलेस में चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन इस आंदोलन को लाल बहादुर शास्त्री सखी के एक छोटे से व्यक्ति ने प्रचंड रूप दे दिया था। 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड किया था, जिसकी यादगार ताज़ा रखने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा भगत सिंह ने प्रारंभ कर दी थी और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्र होते थे। गांधी जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 9 अगस्त 1942 का ही दिन चुना था। 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खान पैलेस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल व अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नज़रबंद कर दिया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 940 लोग मारे गए, 1630 घायल हुए, 18,000 DIR में नज़रबंद हुए तथा 60,000 से भी ज़्यादा गिरफ्तार कर लिए गए थे। आंदोलन को कुचलने के यह आंकड़े दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में ऑनरेबल होम मेंबर में पेश किए गए थे। आंदोलन का मूल सिद्धांत। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के अनेक साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लग गए थे।
इन्हीं सालों में ली को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका भी मिल गया था, जहां अभी तक कोई इसका खास वजूद नहीं था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की थी। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन भी किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव। वर्ष 1939 में जब भारत को जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध के मध्य लाया गया तो कांग्रेस द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि भारत तब तक इसमें शामिल नहीं होगा जब तक यहाँ के नेताओं से बात नहीं होगी। महात्मा गांधी को इस बात पर सख्त एतराज़ था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार से भारत के लोगों के लिए रोटी की मांग की गई है, किंतु ब्रिटिश सरकार इसे पत्थर दे रही है। इस आंदोलन के विषय कारण निम्नलिखित थे। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कई लोगों ने किया था, जैसे कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रियासतों द्वारा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत छोड़ो आंदोलन के का क्या कारण थे, इसका प्रभाव क्या हुआ था तथा इसकी समाप्ति किस प्रकार हुई थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।